बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माई यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ हम लोगों की दुआओं से। कैमरे की लाइट बंद करके मैं ये दिखा रही हूँ सीन, आप लोग रात का अंधेरा भी इन्जॉय कर सके। नमाज़ पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के तस्बीह लेके ऊपर आ गई हूँ। माशाल्लाह अभी तारे हैं, देख लें देख लें, अंधेरा एंजॉय करें। माशाल्लाह अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत है, चाहे रोशनी हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे खाना हो, चाहे सोना हो, चाहे पीना हो। अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी, सेहत दी और ये नेमतें अता की। चल रहा सामने अंधेरे ही अंधेरे, हमारी छत पे बिल्कुल अंधेरा है। ये देख लें, पौधे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। ये देखें, अभी बाकी नमाज़ पढ़ने के लिए उठे हैं। सबसे पहले घर में मैं ही उठती हूँ नमाज़ के लिए, मोटर चलानी होती है। ये देखें, बिल्कुल कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, मैं लाइट चलाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह पौधे सो रहे हैं, रात को पानी दे के गए थे। माशाल्लाह ये देखें लहसुन निकलना शुरू हो गया, पालक बड़ी हो गई है। ये देखें माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। मैंने अभी कहा ना, अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत है। आप लोगों से सुबह सुबह एक रिक्वेस्ट करनी थी, आप लोग मेरे बेटे के लिए दुआ करना। मेरा बेटा नहीं ठीक, दो तीन दिन से रात को डॉक्टर के पास ले गए, टेस्ट करवाए, उसको ना ये रुकान हो गया और सारी रात इतनी उल्टियाँ करता रहा, तो टेंशन से मुझे नींद ही नहीं आई। पता नहीं, अल्लाह की अमानत है, बेटा मेरा है, अमानत अल्लाह की है, तो इतना ख्याल रखती हूँ। सूख के तीला हुआ है और कलर रंग पीला हुआ है, आँखें पीली हुई हैं, तो उल्टियाँ आ रही हैं, दर्द हो रही है, यूरन बार बार आ रहा है। कल फिर डॉक्टर ने रात को टेस्ट किए तो वो कह रहे भी इनको ना यरकान हो चुका है। सब दुआ करें, अल्लाह जी रोशनी हो गई है। मैंने चली, मेरी ना इस तरफ ध्यान गया, मैंने इस तरफ नहीं देखा था। वो देखें, ये देखें, इस तरफ मेरा ध्यान गया, मैंने इस तरफ नहीं देखा। इधर मैं चक्कर लगा रही थी दूसरी छत पर, उस साइड पर चक्कर लगा रही थी और इधर आके मैं बैठ गई हूँ, तो इस तरफ मेरा ध्यान गया तो एक कबूतर सो रहा है। ये हमारी छत पे पता नहीं किस तरह आया और वो सो रहा है, किसी का आया हुआ है। तो अब मैं इसको पकड़ती हूँ या सोया रहने देती हूँ, देखती हूँ क्या करना है। तो या ठीक हो सही, इसको दाना पानी डालते हैं और चिड़ियों को भी दाना पानी डालते हैं, फिर नीचे चलते हैं। ये देखिए सो रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी सुबह का व्लॉग शुरू किया हुआ है। सुबह मॉर्निंग में ऊपर गई थी, उसके बाद नाश्ता वगैरह मैंने नहीं दिखाया। बाद में मैं कुछ काम घर के कर रही थी, फिर अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। शाम का खाने में बनाने लगी हूँ आज वेजिटेबल पुलाव। ब्राउन हो गया, ये देखें, मेरी बेटी कहती है ज़्यादा ब्राउन करें, तो बेटा कहता कम ब्राउन करें, मैं क्या करूँ। तो ये देखें जी माशाल्लाह, आलू मटर गाजर वाला पुलाव बनाने लगी हूँ, ब्राउन हो गई हैं सारी चीज़ें, ज़्यादा भी काला ब्राउन नहीं अच्छा लगता। बिस्मिल्लाह, ये मैंने एक बड़ा सा टमाटर ले लिया और चंद सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। तो ये हैं जी माशाल्लाह मटर, आलू, गाजर, दो गाजरें हैं सिर्फ, दो आलू हैं और माशाल्लाह ये मटर है। ये डाल के हम खाना बनाते हैं। अगर ज़्यादा कलर लाना हो ना चावलों का, तो इस तरह पानी थोड़ा सा डाल के मैं इस तरह कर लूँगी, फिर ज़्यादा कलर आ जाता है। बिस्मिल्लाह, टमाटर पे मिर्चें, ये हैं जी मसाले, जो भी आप मसाले खाते हैं वो डालें। बिस्मिल्लाह,
आज मेरा दिल था भी मैं ना इस देश की में मैं बनाऊं चावल। दम दे देते हैं, ये दम ही थोड़ी देर ना सॉफ्ट हो जाएंगे। चावल मैंने भिगो के रख लिए हैं पास, अब मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगोए थे। इतना सा पानी डाल दिया, ये जब पानी पकेगा तब तक सब्ज़ी गल जाएगी। माशाल्लाह पक रहा है, पानी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये वाला गिलास, दो गिलास मेरे चावल थे और तीन गिलास मैंने तकरीबन पानी डाला, थोड़ा सा ऊपर डाला है, गैस कम है इसलिए तीन गिलास डाला है। थोड़ा सा प्याज मैंने कद्दूकश करके नमक लगा दिए, दो खीरे ले लिए, एक टमाटर ले लिया रायते के लिए, ये काट लेते हैं। माशाल्लाह पक रहा है पानी, अब मैं डाल दूँगी इसमें चावल। देखें कितनी आसान रेसिपी है, चावल मैंने डाल दिए हैं भाई, गैस हो गई कम, दुआ करें पक जाएं, नहीं तो चावल गल जाएंगे। दही माशाल्लाह डाल ली है, अच्छी तरह फेंट लेती हूँ। माशाल्लाह टमाटर, खीरे, प्याज, नमक लगा के निचोड़ लिया अपन धो के। सब्ज़ चटनी ये देखो रात को मैंने बना ली थी, ये देखें माशाल्लाह बना के ना इस तरह की बोतलें कुछ फ्रीज कर देती हूँ। इसमें लहसुन अदरक सारा कुछ डालते हैं हम लोग, ये ही डालेंगे इसमें। चीज़ें डाल दी मैंने, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह ये रायता, ये देखें जी माशाल्लाह पानी खुश्क हो गया, थोड़ा रह गया, दम पे लगा देते हैं। ये है जी माशाल्लाह चावल बन गए हैं, खाने लगी हूँ मैं। ये है जी रायता माशाल्लाह, और ये है जी चावल, सबको डाल के भी दे रही हूँ साथ। अल्लाह कितने खूबसूरत है, होया की करने हैं बिले बुले मार जाने बाहर आले थले बिले उत्ते बिला हैंडल इन उल्टा रख देना हैंडल देखो जी घर बना लगे। कमेंट च एक दस्यो तुसी, असी चुल्हा बनाइए किचन बनाइए कच्चा उत्ते मिट्टी दा, सारे दस्यो किचन बनाइए समराना है, मैं क्या सारे दस्यो कमेंट च, सारे कमेंट च दसना मिट्टी दा किचन बनाइए, दोवीं कहंदियां नो ऐ। जिस दिन तुहाडे को रोड़ा रड़ा पैर तो वज गया तुहानू लग समझ आएगी, बजे नहीं ना पुत्र, ये हुसैन दी मामा ने बजा होया सी, ओए ओए डंडा क्या डंडा एडा वड्डा, इन्हां नूं कह सीमेंट भी लिया के दियो पक्का बना, इधर ला दे बो उधर डिग ना पट्टा और लाई करो इब्राहिम, ओ गिर गया गंदा हो गया, अच्छा ध्यान ना गंदा हो जाता, बैठ गया थक थुक के। तीनों आपके ऊपर वाले, आप तीनों ऊपर वाले आपके हैं और नीचे वाला हाल कमरा शिफा है और इधर वाला जो है ना छोटा ये बिल्ली का, हाँ तो बिल्ली को रखना ही मारती है उसको, मैंने हाथ नहीं लगाने देना। ये देखें जी माशाल्लाह घर बन गया है, उन्होंने को दूल्हा दुल्हन बना लिया, उपर भी घर रखा हो बना के, वेखो जी थले भी बिस्तरे भी अंदर विछ गए जे, तो अंधेरा उपर खूब हो गया, नाल मुंडा ही लगा रहा बेचारा, जब ए मिस्त्री बना बना के थक गया लेट गया तो मजदूरी नहीं मिली तो वह थक गया, तो ए देखो जी खेलते पे जे माशाल्लाह।
ईंटों से बनाया है। ये ईंटों से बनाया था पुत्र, ईंटों से ही बनता है। नहीं ये तो जबान भी इस्तेमाल है। याद है तेनू भी असीं पहले पहले सोनिया गोपाल का देखते होंगे सी, नए नए सानू यूट्यूब का पता ही नहीं सी भी यूट्यूब की चीज़ होंगी है। यूट्यूब का सानू पता ही नहीं सी भी यूट्यूब तो की, असीं सिर्फ वैसे असीं फेसबुक ही सिर्फ देखते होंगे। तो सोनिया गोपाल का ना इस तरह का घर होता था, अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा दे, तो उनका भी इस तरह छोटा सा नीचे चूल्हा रखते, इसने मुझे कहना बाजी ये देख ये क्यों वीडियो बनाते। तो इस तरह उन लोगों ने ना अपना घर क्या होता था, और माशाल्लाह वो नीचे बैठ के खाना बना रही होती थी, तो बेचारी के बाल बिखरे होते थे, और छोटा सा उसका बेटा था और एक बेटी थी अंजलि। तो अंजलि के बड़े मजाज होने, तो मैंने कहना भाजी वे लोगों के छोटे छोटे बच्चे ने वीडियो क्यों बनाते ने, और हमें नहीं पता था भी यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए ये बना रहे हैं, और उसने बताना भी मैं स्कूल में पीएन लगा हुआ हूँ ये है वो है। तो इस तरह उसका छोटा सा घर था, तब हमें नहीं पता था। फिर कुछ साल बाद हमने भी यूट्यूब, हमें पता चल गया भी यूट्यूब पे अर्निंग होती है, हमने भी चैनल बना लिया, और चार साल हो गए हमने भी चैनल बनाया हुआ था। आप लोग हमें नहीं देखते मेरी, असी उतें उतें ही हाँ। मेरा बात करने का मकसद है भी वो इस तरह का घर था, उसका पानी भर जाता था बारिश का, और ईंटों का बना हुआ था, प्लस्तर भी नहीं हुआ हुआ था, बर्तनों के साथ वो पानी निकाल रही होती थी। और आजकल वो किसी सोसाइटी में रह रही है, अच्छी सोसाइटी में। तो मैं तुहानू यही कहन लगी सी भी असी उन्हां नालों भी गए गुजरे हाँ, साडा कोई नहीं मतलब स्टेटस है या कोई घर, तो अज फिर असी उहदे वर्गा ही घर बना लिया शायद। तुहानू मेरी भैन कहती सानू दस दियो भी सानू बोलना नहीं आता, या उस तरह के असी व्लॉग नहीं बना रहे या खाने नहीं बना रहे। वो भी सिंपल व्लॉगिंग करते सी, तड़का भुन के विच चौल पा रही सी, आलू वाले पराठे बना रही सी, गोभी वाले पराठे बना रही सी, सिंपल खाना दिखा रही सी, और अपने बच्चे दो दिखा रही सी। और हम लोग भी यही करते हैं, जो वैसे वो काम करते हम भी वैसे ही कर रहे हैं। तो आज मेरा दिखाने का ये मतलब है, आप लोग बताएं हम कैसे व्लॉगिंग करें, चार साल हो गए हैं भाई थक चुके हैं, और सोनिया गोपाल जैसा हमने ऊपर घर बना लिया है, और घर बना के हमने आप लोगों को दिखा दिया, तो ये घर पसंद है, तो हम इस तरह के घर बना के रहना शुरू हो जाते हैं। मेरा ये घर रेंट का है नीचे, तो एक कमरे में हम रह रहे हैं, तो मैंने इसीलिए चैनल बनाया था भी हम भी कभी कामयाब होंगे तो अपने बच्चों को अच्छी तलीम दे सकेंगे, अच्छा घर बना सकेंगे। तो होना वो ही है जो अल्लाह पाक को मंजूर है। फुल अंधेरा हो गया, चलें जी, आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।